हुकुम आप देख रहे हैं सरबत मेरा नेवियारी। तो आज हम आपको मिक्सी बनाना सिखाएंगे। और जो बाजार से हम खरीदते हैं उसके अंदर गंदम होती है, लाल चावल होते हैं और मकई होती है, जिसकी वजह से तोते नहीं खाते, वो सख्त होती है। और ये ब्रीडिंग सीजन भी चल रहा है, इसीलिए हम आपको अच्छा दाना बनाना सिखाएंगे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये है मोटी कंगनी, फ्रेश और ताज़ी है। और ये आप देख सकते हैं नवाबशाह का बाजरा, मीठा होता है जो परिंदे बड़े शौक से खाते हैं। तो ये है जौ, देख सकते हैं आप, ये है कि भंग के बीज, और ये सनफ्लावर सीड जिसको हम काले बीज भी बोलते हैं, सर्दियों के लिए तोतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और यह है कनेरी सीड, आप देख सकते हैं। और यह है पेड राइस, जिसको हम बिना छिले हुए राइस भी कहते हैं और मुंजी भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यह है बारीक कंगनी, बिल्कुल फ्रेश है, इसको हम दाने के अंदर मिक्स करेंगे। और यह है खुरतुम, देख सकते हैं, ये भी हम इनके अंदर मिक्स करेंगे। और ये है लाल कंगनी, और ये है अलसी, आप देख सकते हैं ये अलसी है, इसको भी हम दाने के अंदर मिक्स करेंगे। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, तो इन सबको मिक्स करके हम वो मिक्स सीड बनाएंगे, जो सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है और ब्रीडिंग सीज़न भी है, तो तोते बड़े शौक से खाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ों को। तो आप सब देख सकते हैं ये सारे आइटम हम सीड मिक्स में डालेंगे। तो मिक्स करने से पहले बड़ा सा बर्तन ले लिया, और मैंने तो ये टप लिया है, तो इसके अंदर हम ये सारे आइटम मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं ये है मोटी कंगनी जो कि हम मिक्स कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी होती है, तोते बड़े शौक से खाते हैं, बिल्कुल फ्रेश कंगनी है। आप देख सकते हैं ये सारी हमने डाली है इस बड़े से बर्तन के अंदर, और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और आइटम डालने के बाद। और ये देख सकते हैं हमने लाल कंगनी डाली है जो कि बिल्कुल, ये भी फ्रेश है, देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है। और अभी ये अलसी हम डालेंगे, देख सकते हैं ये भी बड़े तोते शौक से खाते हैं। और इसके ऊपर हम बारीक कंगनी डालेंगे, ये भी बड़ी अच्छी होती है, बड़े तोते शौक से खाते हैं। और ये है नवाबशाह का बाजरा, बिल्कुल फ्रेश बाजरा है, मीठा बाजरा जो तोते बड़े शौक से खाते हैं, आप भी ट्राई करना घर पे। और ये देख सकते हैं ये है जौ, जौ भी तोते बड़े शौक से खाते हैं। और है ये है कनेरी सीड जो कि तोते भी बड़े शौक से खाते हैं, नरम गिज़ा है। और ये हम डाल रहे हैं पेड राइस, जिसको मंजी भी कहते हैं और सरिया भी कहते हैं। तो लो व्यूअर्स, देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। और ये खुरतुम डालिए, खुरतुम जो कि बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है तोतों के लिए। और ये है सनफ्लावर सीड्स, जिसको हम काले बीज भी बोलते हैं, ये तोतों के लिए सर्दियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे आइटम देख सकते हैं हमने डाल दिए हैं। और ये हमने डाला है नवाबशाह का बाजरा, फिर से थोड़ा रह गया था, तो चलो इन सबको मिक्स करते हैं। तो बस आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह मिक्स करना, कोई भी चीज़ नीचे नहीं रह जाए, ऊपर नीचे वाली चीज़ नीचे ना रह जाए, ऊपर वाली ऊपर ना रह जाए, तोतों को कुछ खाने में कमी हो जाए, इसीलिए अच्छे से मिक्स करें, कोई भी चीज़ नहीं रहे, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से इनको मिक्स करें। ये देख सकते हैं बड़ा सा बर्तन हो के दाना मिक्सी जल्दी से जल्दी मिक्स हो। आप देख सकते हैं मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा मेरे तोते ये दाना कितने शौक से खाते हैं, आप भी घर पे ट्राई करना, बहुत अच्छा दाना है मैंने बनाया है घर पे, आप ज़रूर ट्राई करना। तो आप देख सकते हैं ये दाना मिक्स होने के बाद कैसा चमक रहा है, एक एक दाना अलग लग रहा है, और दाना बहुत अच्छा लग रहा है जो तोते बड़े शौक से खाते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा वो कोई चीज़ नहीं है जो तोते नहीं खाते।